वेलकम टू लॉन्ग टर्म शेयर्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, सब्सक्राइब का लाल बटन, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। फ्रेंड्स, अभी एक बात कहना चाहूँ कि अब से जो है हम छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और मोस्टली यही किया करें कि एक वीडियो में आपको अधिकतम जितने भी स्टॉक्स के बारे में बता पाएँ। लेकिन हालांकि समय कम पड़ जाता है, बारीकी से अगर हम बताने जाएंगे तो कम से कम आधा घंटा तो चाहिए, लेकिन आधे घंटे का वीडियो हम नहीं बना सकते क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई देख पाएगा कितना पेशेंस है आप लोगों के अंदर। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जंप कर जाते हैं, शुरू में थोड़ा सा देखा, मिड में देखा और एंड में जाके वीडियो देख के वाइंड अप हो जाते हैं। इसलिए उनको अधूरी जानकारी मिलती है और इस वजह से वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछते भी कि सर इसके बारे में क्या राय है, जबकि मैं अपनी सारी बात, अपना ओपिनियन सारा कुछ कह चुका होता हूँ, बाइंग सेलिंग या होल्ड या बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो एक्सपीरियंस से सीखा हमने बड़ों से और कुछ हमने भी आजमाया तो हमें पता चला कि नहीं ऐसा करना चाहिए। तो आप लोग भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस और कुछ पैसा हमेशा बचा के रखना चाहिए। जैसे कि येस बैंक आज कितना टूटा, उसके रिजल्ट्स नेगेटिव में आए हुए थे तो सबको पता था कि काफ़ी टूटेगा, तो ऐसे मौके पर कुछ समय लेना चाहिए। हो सकता है अभी ये नीचे और जाए तो मैं उस पर अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा करंट पोजिशन पर। तो हम पहले आज रेल विकास निगम लिमिटेड और अशोक लेलैंड के बारे में मोटा मोटा बात करेंगे, क्योंकि हमारे एक मित्र ने पूछा था अशोक लेलैंड के बारे में और आरवीएनएल के बारे में। तो आरवीएनएल के बारे में मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और इस पर तीसरा बनाने का ही मकसद था कि अभी देखिए डाउन साइड नीचे की ओर जा ही रहा 3.5%। बीएससी पे जो इसका लाइव आज 22.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, अप्रैल 30, 2019 11:42 हो चुके हैं और यही 18.65 रुपये इसका लो था जो भी है 11 अप्रैल को लिस्टिंग हुई थी जब इसकी, तो और हाई मारा था इसने 26.95 करीब 27 रुपये के आसपास पहुंच गया था। और अभी करंट फ़िलहाल इसका जो भाव चल रहा है 21.90 रुपये और ये देखिए 6 मंथ में अभी भी जिन्होंने लिया हुआ था लिस्टिंग के समय, जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया होगा तो उनको अभी 14.96% का रिटर्न मिल रहा है। मार्केट कैप है 4,805 करोड़ की और टोटल वॉल्यूम जो है 70,27,703। फेस वैल्यू अभी 10 के है लिस्टेड, हाँ यस 11 अप्रैल 2019 को लिस्ट हुई थी कंपनी। पी रेशियो देखिए 9.83 है, ईपीएस है 2.34 की और प्राइस टू बुक है 1.16 के। डिलीवरेबल है 40.82% की जो कि ज़बरदस्त डिलीवरी है और डिविडेंड यील्ड है 3.22 की। तो रेल विकास निगम लिमिटेड में देखिए, मैंने फ्रेंड्स पहले बताया था पिछले दो वीडियो में कि हो सकता है जब ये 25-26 रुपये के ऊपर भाग गया तो लोगों ने कहा था कि ये अंडर वैल्यूड, नो डाउट अंडर वैल्यूड है, लेकिन मार्केट कभी एक तरफ नहीं भागता। आप सोचिए, ज़रा गौर फरमाइए कि अगर एक तरफा भागेगा, एक तरफा प्यार सक्सेस नहीं होता, भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हैं। तो मार्केट में कोई स्टॉक या फिर एक तरफ भागेगा तो बुरी तरह उस तरफ नीचे भी डाउन साइड भी उसका आना तय है। लेकिन ऐसे वोलेटाइल मार्केट में हम क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि चूँकि अभी पास में ही रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, इलेक्शन ख़त्म होने वाला है 23 मई के बाद, तो हो सकता है बाज़ार में अच्छी रैली देखने को मिले। तो उसमें सब अच्छे जितने कंपनियां हैं, जितने अच्छे स्टॉक्स जिन पे ज़्यादा ज़्यादा पिटाई हुई है साल डेढ़ साल में, क्योंकि दो चीज़ों की मार तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियाँ झेल चुकी हैं। एक तो नोटबंदी के बाद GST जो सुधार आया टैक्स में, तो इन सब पे जो पूरा सिस्टम हिल गया था, तो सिस्टम हिलने के बाद अब अपने आप को लोगों ने उस हिसाब से प्रिपेयर कर लिया है तो अब थोड़ा सा इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रही हैं। और ऐसे में जब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगी तो नो डाउट बहुत सारा काम होगा, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट आए, सब पे प्रेशर रहेगा काम करने का, तो सभी अच्छा करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। बाज़ार अच्छा करेगा, 4-5 सालों में काफ़ी अच्छा मुनाफा भी दे के जाएगा अपने इन्वेस्टर्स को। तो बने रहे इन कंपनियों में और देखिए, अगर और नीचे के लेवल पर मिलता है, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, 2-1 सब्सक्राइबर्स मेरे नाराज़ हो गए तो उन्होंने कमेंट्स और मुझे मेल भी किया था कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो 100 रुपये में अभी चला जाएगा फटाफट। तो मैंने कहा 100 रुपये हो सकता है चला जाए आरवीएनएल, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। तो ऐसे मैंने कि आपने पूरा पैसा लगा दिया और पता चला कि और अपॉर्चुनिटी मिल रही तो आपके पास पैसा ही नहीं, फिर आप उधार उधार लोन के चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर वो ठीक नहीं ना। तो चलिए बढ़ते हैं, हमने अभी ये दिखा दिया करंट पोजीशन और मैं यही कहना चाहूँ कि आरवीएनएल पे नीचे अगर आपको और भी नीचे मिलता है, 21.90 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है तो ज़रूर आप बाइंग करें। अच्छी कंपनी है क्योंकि रेल का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, पटरियाँ बिछाना हो, चाहे ब्रिजेस का निर्माण करना हो, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। तो रेल एक बहुत बड़ी भारत की जो है उद्योग है जिससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ी आय होती है। तो बहुत अच्छी कंपनी है आरवीएनएल और गवर्नमेंट की है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मल्टीबैगर हो जाएगा, आपको 25 रुपये का स्टॉक जो है 500 हो जाएगा या 1000 हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल
आने वाले समय में आपको कई गुना भी पैसा दे सकता है। वो कितना समय लगता है वो भी हमें नहीं, कर साल या दो साल। तो ये है, आप बने रहिए, अच्छी कंपनी है, मैं इस पर फिर से आपको यही कहना चाहूँगा। और नीचे के लेवल पर और थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहिएगा, लमसम अमाउंट इकट्ठा पूरी कभी मत डालिएगा, SIP करिए तो बहुत ही बेहतर है। अब रही बात अशोक लेलैंड के बारे में, तो अशोक लेलैंड के अभी Q4 के रिजल्ट्स भी आने बाकी हैं और देख लेते हैं अशोक लेलैंड के करंट पोजीशन क्या है, क्योंकि अभी नीचे की तरफ ये भी रुक कर चुका है। अप्रैल 30, 2019 11:46 है, 87.05 87.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ी सी डाउन साइड है। 52 वीक लो था 70.60 रुपये और हाई बनाया था इसने 167 रुपये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी अगर मार्केट नीचे की तरफ और आता है तो ये करीब लो के पास भी पहुंच सकता है, एक उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्योंकि ये देखिए चार्ट पे हम आ चुके हैं, तो लगातार यहाँ पे नीचे तरफ गिर ही रहा है, यहाँ पे थोड़ा उठा था लेकिन फिर पुनः गिरावट इसमें देखी जा रही है। और 25% लोग केवल कह रहे हैं कि बाई और 73 कह रहे हैं कि बेच दीजिए। और ये हम यहाँ पे ये आ गए अशोक लेलैंड के चार्ट पे। देखिए पी रेशियो जो 14.98 का है, EPS है 5.91 रुपये और प्राइस टू बुक है 3.44 का, डिलीवरेबल है 20.54%, डिविडेंड यील्ड है 2.74। जिन्होंने 6 महीने पहले पैसे लगाए थे उनको 23% नेगेटिव रिटर्न है, 1 साल पहले जिन्होंने अशोक लेलैंड में पैसे लगाए थे उनको 46.51% का नेगेटिव रिटर्न है। मार्केट कैप है 25,979 करोड़ की और वॉल्यूम है 59,08,717 की, फेस वैल्यू 1 की है। तो अभी फ़िलहाल 1 साल से कुछ बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं दिए हैं इसने और नेगेटिव में रिटर्न है 50% करीब, तो काफ़ी लॉस है जिन्होंने ऊपर के लेवल पे बाइंग की होगी। बट मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है अशोक लेलैंड, आप सभी परिचित हैं, आप सभी आसपास आपको ट्रक बसेस और छोटे टेम्पोज वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी जिससे हमारे डिफेंस जो फौज के लिए भी ट्रक वगैरह बनाती है, तो नो डाउट इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स भी हैं। जब ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा तब ये भी कंपनी, तो जब किसी आप बुरे समय में आप किसी अच्छी कंपनी के साथ बुरे समय में आप उसके खड़े रहते हैं, तो एक बड़े हमारे दिग्गजों का कहना है कि जब उनका अच्छा समय आता है तो आपको राजा बना देंगी, कहने का तात्पर्य कि आपका अच्छा समय बना देंगी। इसलिए ऐसा मत सोचे कि अगर कंपनी टूट रही है तो आप इसके साथ खड़े रहें, थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहें अगर नीचे के लेवल पर मिलता है। करंट लेवल पर लंबे समय के निवेशक हमेशा पैसा इसमें कुछ ना कुछ SIP करते रहें, डालते रहें, एक साथ कभी पूरा पैसा मत डालें, है ना। तो और भी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के, तो उनमें भी खरीदने की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो दोस्तों मैंने अच्छा ये अशोक लेलैंड के जो वो हम देख लेते हैं फाइनेंशियल, ये देखिए अशोक लेलैंड में क्या था कि मार्च 18 में जो नेट सेल्स थी 8,772 करोड़ की थी, वहीं जून में रह गई 6,250 करोड़ की, लेकिन सितंबर 18 के क्वार्टर में फिर से 7,369 और दिसंबर 18 में फिर से डाउनसाइड यहां 6,245 करोड़ की, और नेट प्रॉफिट में जहां मार्च 18 में थी 667 करोड़ की, वहीं जून 18 में रह गई 370 करोड़ की, और सितंबर 18 में भी 459 करोड़ की, तो दिसंबर 18 में 380 करोड़ की। तो यहाँ पे जो क्वार्टर में सितंबर 18 से दिसंबर 18 नेट सेल्स में भी डाउनसाइड है और नेट प्रॉफिट में भी डाउनसाइड है। टोटल डेट इन पे कर्जा है 515 करोड़ का। और एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। एनुअल रिजल्ट्स में देखिए जहाँ मार्च 18 ईयर ऑन ईयर पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो 23% नेट सेल्स में बढ़त है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 28.98% की बढ़त है, और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ 10.76% की बढ़त है, और मार्जिन भी यहाँ उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास अभी भी जो है 51.12% के शेयर होल्डिंग, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 6.66% की गिरवी रखी हुई है। हो सकता है कि इनको पैसे वैसे की ज़रूरत पड़ गई हो तो इन थोड़े से शेयर्स इन्होंने गिरवी रख दिए हैं फंड उठाने के लिए। तो दोस्तों अशोक लेलैंड पे ऑब्वियसली अच्छी कंपनी है और मैं तो कहूँगा कि ऑटो सेक्टर में अभी ज़बरदस्त लग रही है, तो ज़रूर अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं लंबे समय के लिए। लेकिन लंबे समय जब इसका समय आएगा इस पूरे सेक्टर का, तो आपको अच्छी अमाउंट, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों मैंने फटाफट बताने की कोशिश की है दो स्टॉक्स के बारे में, और चलिए अब यहाँ पे वीडियो वाइंड अप करता हूँ। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मशवरा कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।